इंडियन टी20 लीग के 13वें सीजन के 5वें मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर रहा। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए इस मुकाबले में हिट विकेट और मेडन ओवर जैसे पल देखने को मिले। भले ही इस मैच में मुंबई कोलकाता पर भारी पड़ा हो, लेकिन कोलकाता टीम की ओर से कुछ खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहे कोलकाता के ऑलराउंडर शिवम मावी। मावी ने इस सीजन का पहला मेडन ओवर डाला, ये पारी का दूसरा ही ओवर था। इसके बाद शिवम मावी ने मुंबई इंडियंस के ओपनर क्विंटन डिकॉक को भी चलता किया। हालांकि डिकॉक के आउट होने के बाद कप्तान रोहित ने एक छोर को पकड़े रखा, लेकिन 80 रन बनाने के बाद रोहित मावी का ही शिकार बन बैठे। इस बार शिवम मावी ने पहले से भी बड़ी मछली अपने जाल में फंसाई और शतक की ओर तेजी से अग्रसर रोहित को चलता किया। शिवम मावी ने अपने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 अहम विकेट अपने नाम किए। इस युवा खिलाड़ी ने मुंबई के दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया और अपने प्रदर्शन से सभी को इम्प्रेस कर दिया। शिवम मावी के अलावा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने भी इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि इस बार के सबसे महंगे विदेशी प्लेयर मैच में जमकर रन लुटा बैठे। उन्होंने 3 ओवर में 49 रन दिए और विकेट भी नहीं मिला। लेकिन जब नाइट राइडर्स का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, ऐसे में पैट कमिंस ने नंबर 8 पर आकर तूफानी पारी खेलते हुए 12 गेंदों पर सर्वाधिक 33 रन बनाए, जिसमें जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में लगाए 4 छक्के भी शामिल रहे। इसी पारी के लिए पैट को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। आपको बता दें, इस मुकाबले में मुंबई ने कोलकाता को 49 रनों से मात देकर सीजन का अपना पहला मैच जीत लिया है। मुंबई के बल्लेबाजों ने जहां पहली इनिंग्स में केकेआर के सामने बड़ा लक्ष्य रखा, तो वहीं केकेआर की बल्लेबाजी के दौरान रोहित एंड कंपनी के गेंदबाजों ने कार्तिक के नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों पर लगाम लगाते हुए टीम को 146 रनों पर ही रोक दिया। आपको युवा प्रतिभाशाली शिवम मावी का परफॉर्मेंस कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और आईपीएल की हर अपडेट के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।